राज्य का परिवहन विभाग बुधवार से महानगर के सड़कों पर करीब 800 सरकारी बसें उतारेगा, तो वहीं निजी बसों के किराए को लेकर चली आ रही समस्या जल्द सुलझने की उम्मीद है। इस सिलसिले में निजी बस संगठनों ने मंगलवार को परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद बुधवार को ज्वाइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के महासचिव तपन बैनर्जी ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है, हालांकि यह संख्या नाम मात्र की है। यही वजह है कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने कई बार अपील भी की है कि निजी बसों को उतारने के लिए बस मालिक पहल करे। निजी बस संगठन बार बार न्यूनतम किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में यात्री होंगे या नहीं, इसके अलावा जो खर्च होगा उससे सभी कर्मियों के वेतन सहित अन्य कार्यों को पूरा करने में दिक्कतें होंगी। जॉइंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के महासचिव तपन बैनर्जी ने बताया है कि जिस तरीके से सरकार लोगों की सुविधा असुविधाओं का ध्यान रख रही है, ठीक उसी प्रकार से बस चालक और कंडक्टर का भी ध्यान रखे, उन्हें मास्क और सैनिटाइजर दिया जाए। टैक्सियों में जिस तरीके से चालक के लिए सुविधा बढ़ती जा रही है, बस चालकों के लिए भी ठीक वैसी ही सुविधा होनी चाहिए। अगर किसी बस चालक में कोरोना संक्रमण पाया गया तो क्या राज्य सरकार उनकी जिम्मेदारी लेगी? हालांकि इस दौरान आवश्यक नियमों का पालन करने के लिए भी चालकों से कहा गया है। इसके तहत यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही सैनिटाइजर भी रखना होगा। ड्राइवर को भी मास्क पहनना पड़ेगा। इसके अलावा वाहन को रोज सैनिटाइज भी करने के लिए कहा गया है। रांची के हर जिले में सरकारी बस से यात्री एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन कर पा रहे हैं। वहीं कोलकाता में भी कुछ जगहों पर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब जल्द ही शहर में चल सकती हैं निजी बसें। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জেলায় কয়েকটা গাড়ি নেবেও ছিল, এক দুটো গাড়ি, যেগুলো লোকসানের হার এত বেশি হওয়াতে সেই গাড়িগুলো তারা আর নামাতে আর পরিষেবা দিতে পারা সম্ভবপর না। তাই আমরা বলি যত শীঘ্র সম্ভব হয় সরকার কমিটি গঠন করে ভাড়া নির্ধারণের একটা বিষয়টা জানালে ভালো হবে। আপনার নাম আর তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, জেনারেল সেক্রেটারি, জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস ইন্ডিয়া।